बात करेंगे बेटा आज किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो हेलो बच्चों, चैनल का नाम है यूट्यूब, यूट्यूब चैनल का नाम है बढ़िया आइंस्टीन, इसे सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलिए, क्लास टेंथ का लाइट चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें से कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए थे। अब करेंगे हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बताओ, क्या होता है स्फेरिकल मिरर्स? आज बेटा वीडियो नहीं आ पाई, थोड़ा काम था मुझे, कोई नहीं। तो बेटा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले समझो कि स्फीयर मतलब क्या होता है। स्फीयर मतलब क्या होता है बेटा? देखो स्फीयर मतलब होता है राउंड। क्या? स्फीयर मतलब होता है राउंड, गोला, गोला आकार। ठीक, अच्छा। अब अगर बेटा ये कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर, तो मतलब कि मिरर कुछ मिरर कैसे होंगे, मिरर्स कैसे होंगे, शेप में कैसे होंगे, राउंड टाइप की शेप में होंगे, है ना? यही तो है इसका मतलब, कैसे होंगे, राउंड शेप में होंगे जो मिरर्स होते हैं हमारे, है ना? और इसमें हम दो तरह के मिरर देखेंगे। स्फेरिकल मिरर्स में हम दो तरह के मिरर देखेंगे, एक कॉनकेव मिरर देखेंगे, एक कन्वेक्स मिरर देखेंगे। ओके चलिए, तो बेटा ये कैसे मिरर्स होते हैं? ये कर्व मिरर होते हैं। ठीक है, कैसे मिरर होते हैं? कर्व मिरर होते हैं। ठीक है, या तो ऐसा मिरर होता है या फिर ऐसा मिरर होता है। ठीक है, अभी बात करेंगे। ठीक है, ये कैसे मिरर होते हैं, ये इनका शेप कैसा होता है, ये कर्व शेप में होता है। ठीक है, एकदम ऐसे शेप में, ऐसे शेप में या फिर ऐसे शेप में, है ना? ओके, और इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, या तो ये अंदर होता है ऐसे, जैसे लाइट यहाँ से आई तो ये जो है ये इनका चमकीला वाला पार्ट होता है और यहाँ से पॉलिश हुई होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, मतलब कि इनवर्ड। ठीक है, और एक होता है आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जैसे कि ये, तो यहाँ पर पॉलिश हुई होती है और यहाँ से चमकीला होता है। बात आ रही है समझ में आपको? अच्छा चलिए, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं कैसे होते हैं, कर्व शेप में होते हैं, और ये टू टाइप्स के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर एंड एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात भी कर लेते हैं। देखो जो हमारा, देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो देखो मैं लिख देता हूँ पहले। देखो बेटा, एक तो होता है आपका कॉनकेव मिरर, कौन सा, एक होता है बेटा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर बेटा वो मिरर, वो कर्व मिरर होता है, वो मुड़ा हुआ मतलब राउंड शेप जैसा मिरर होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, देखो मैं इसमें लिखता हूँ कैसे होते हैं बेटा ये। देखो देखो सबसे पहले आप ये समझो, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है ये कैसा होता है, ये पहली बात तो ये कर्व शेप में होता है। ठीक है, कैसा होता है हमारा, कर्व शेप में होता है ये। देखो ये एक तरह का कर्व ही तो है। कर्व क्या होता है? ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या होते हैं? कर्व होते हैं। ठीक है, और देखो ये, अब क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर का टाइप क्यों है, क्योंकि अगर इस कर्व को अगर मैं पूरा कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा, एक राउंड बन जाएगा, शेप बन जाएगा। ठीक है, सर्कल टाइप का बन जाएगा। अच्छा, तो बेटा ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कहाँ होता है? आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ। देख रहे हो, मतलब कि ये पीछे से क्या है, ये पीछे से इसकी पॉलिश हो रखी है, और ये जो है ना, ये जो सामने वाला, ये होता है बेटा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोले तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा। आई बात समझ? तो ये होता है बेटा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके अभी हम वो भी समझेंगे, कुछ पॉइंट्स होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के भी, कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, आपने सुना होगा, उनके बारे में भी बात करेंगे, है ना? अच्छा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? अंदर की तरफ है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है।
एक और होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, वो इसका अपोजिट होता है। देखो अभी बताता हूँ, उसे कहता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक होता है बेटा हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये जैसे जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये होता है बेटा ऐसा ऐसा। देखो एक होता है ऐसा जिसका ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे होती है पॉलिश, और एक ठीक है और एक होती है ऐसा, ये ऐसा ही वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पॉलिश यहाँ पर होती हो रही होती है, अंदर की तरफ पॉलिश हो रही होती है, और ये जो आउटवर्ड पार्ट है ना इसका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। बात आई समझ में? तो होता क्या है बेटा, ये भी एक तरह का कर्व इन शेप में होता है। ठीक है, ये भी कर्व शेप में होता है। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। ठीक है, ये बाहर ही तो है, इसका अंदर क्या होगा, ये इनवर्ट और ये आउटवर्ट, इसका ये इनवर्ट या आउटवर्ट। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बेटा एक प्रॉपर्टीज भी होती है। देखो तो यहाँ पर लाइट कैसे आती है, ऐसे करके आती है। ठीक है, और ये लाइट को ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर देता है, यहाँ पर लाइट ऐसे आती है ऐसे करके। ठीक है, और ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, एक चीज़ और बेटा, तो बेटा ये वाला जो मिरर होता है ना, ये वाला जो मिरर होता है, ये क्या करता है आपका, जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं उनको क्या कर देता है, इकट्ठा करके रिफ्लेक्ट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है एक तरह से कन्वर्ज कर देता है। मतलब कि देखो क्या कर देता है, मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत सारी लाइटें आई यहाँ से, देखो जैसे मान चलो ये लाइट आई ऐसे करी, ठीक है, ये लाइट कुछ ऐसे आई, ये कुछ और लाइट आई, यहाँ से कुछ और लाइट आई, यहाँ से कुछ और लाइट आई, मतलब कि बहुत सारी लाइट आई। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट हो रही है इस पर। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, सारी की सारी लाइट्स को कैसे कर देगा, इकट्ठा करके रिफ्लेक्ट कर देगा। देखो ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे। ये भी इसी पे होना चाहिए था, बस थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये लाइट रेस बेटा ऐसे आ रही थी, दिखाई दे रहा ना आपको, देख लें। ठीक है, आराम से। ओके, क्या होता है, बहुत सारी लाइट ऐसे आती हैं तो फिर ऐसे कर देता है, ऐसे। ठीक है, अभी हम जब इसके केसेस समझेंगे ना तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो कन्वर्ज कर देता है बेटा ऐसे करके, सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। अब देखो इन सारे इंसिडेंट रेस की जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो एक ही तो है, बताओ, एक ही है ना। तो ये क्या करता है, बहुत सारी लाइट रेस ऐसे आई और उनको इकट्ठा करके एक ही पॉइंट पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये क्या होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर के कुछ केसेस होते हैं, लाइट रे किस एंगल से जा रही है उसी के हिसाब से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ समझ में आएगी। अभी के लिए आप ये समझो कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, अगर बहुत सारी लाइटें आ रही हैं तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके कर देता है, इकट्ठा बहुत सारी लाइट रेज को इकट्ठा करके आगे की तरफ एक ही सिंगल पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, मतलब कि मिला देता है, इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो इसने इस लाइट को देखो, इतनी सारी लाइट्स को क्या कर दिया, इसने इकट्ठा कर दिया ना। ओके, अच्छा वही बेटा एक ये वाला मिरर होता है, ये इसका उल्टा है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये बहुत सारी लाइट रेज को इकट्ठा करके रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, बहुत सारी लाइट रेज को क्या कर देगा, ये क्या कर रहा था, ये इकट्ठा कर रहा था, ये क्या करेगा, ये बिखरा देगा। कैसे कर देगा, देखो ऐसे कर देगा, मान के चलो एक लाइट रे ये रही, मान के चलो, तो अब ये क्या करेगा, ये बिखरा देगा, ये कन्वर्ज नहीं करेगा, बिखरा देता है बेटा, ऐसे करके बिखरा देता है, ये बिखरा दी।
ये बिखरा दी, ये बिखरा दी, ये बिखरा दी, ऐसे करके बिखरा देता है लाइट्स को। बताइए बेटे सुनना, ये इंसिडेंट लाइट्स थी यानी रिफ्लेक्टेड रेज थी। बता रही बेटे समझ में, ये वाला क्या करता था, बहुत सारी लाइट रेज को इकट्ठा करके कन्वर्ज कर देता था, रिफ्लेक्ट कर देता था। ये क्या करता है, बहुत सारी लाइट रेज को क्या कर देता है, बिखरा देता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, तो रिफ्लेक्ट कैसे करता है, बिखरा के रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अरे बेटा पास आना, तो इन दोनों के अभी केसेस पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये क्या करता है, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, इसको कहते हैं डाइवर्ज, ठीक है। लाइट के बिखराने को क्या करते हैं बेटा, डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग, ठीक है, और इकट्ठा करने को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग, ठीक है। इसे हम एक तरह से कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ऐसी इसे भी हम एक तरह से डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन प्रॉपर्टीज़ को मैं लिख भी देता हूँ। और बेटा ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बेटा कह रहा है द कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्जेज द पैरेलल लाइट रेज एट ए सिंगल पॉइंट। कहने का मतलब बेटा, बेटा ये है कि जो मेरा कॉनकेव मिरर होता है ना, जो कॉनकेव मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, ये क्या कहलाता है, ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है एक तरह से, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज को, देखो ये एक तरह से पैरेलल लाइट रेज ही तो है, ये क्या करता है, पैरेलल लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज कर देता है बेटा, ठीक है, ठीक, कन्वर्जेस, देखो इसके आगे ये वाला लिखना है, कन्वर्जेस, कन्वर्जेस, रुक जाओ, बिकॉज इट कन्वर्जेस द पैरेलल लाइट रेज, यहाँ पर लिख देना बेटा, ऐसा लिख देना, ऑन रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, ऑन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ऐसे यहाँ पर ऑन रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग करने पर होता है, बिना रिफ्लेक्ट करे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। द कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेज को रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी कि रिफ्लेक्ट होने पर क्या कर देता है, एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। वो एक सिंगल पॉइंट पर ही तो मिला दिया सब चीज़ों को, मतलब जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट तो है सारी पैरेलल लाइट रेज का, और वही ये वाली इसकी जस्ट उल्टी है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, मिरर वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज़ को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद या फिर रिफ्लेक्ट होने पर डाइवर्ज कर देता है, यानी कि अलग अलग बिखरा देता है। ये क्या करता था, ये चिपका देता है, ये क्या कर देता है, बिखरा देता है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर ये रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट्स को, ठीक है, एट अ डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा। चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा भाई, ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे, ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, करो यार, ओके, थैंक यू बेटा।